आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र के बारे में जाना। आज इस वीडियो में हम समलंब के क्षेत्रफल पर आधारित उदाहरण देखेंगे। यह है अमित। वह एक गमले का चित्र बनाना चाहता है जिसमें समांतर भुजाएं अनुपात 3:1 में हों। यदि चित्र का क्षेत्रफल और ऊंचाई क्रमशः 108 वर्ग सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो क्या आप गमले की समांतर भुजाओं का मान बता सकते हैं? तो आइए गमले का चित्र कुछ इस प्रकार बनाएं। हमें समलंब यानी गमले की समांतर भुजाएं पता करनी हैं। समांतर भुजाएं 3:1 के अनुपात में हैं। मान लीजिए कि x भुजा AB और CD के मान का महत्तम समापवर्तक है, तो हम कह सकते हैं कि AB व CD की माप क्रमशः x व 3x है। गमले का क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। क्या आपको समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र याद है? शाबाश, समलंब का क्षेत्रफल 1/2 गुणा समलंब की ऊंचाई गुणा समलंब की समांतर भुजाओं के माप का योगफल होता है। हमें पता है कि समांतर भुजाओं के माप क्रमशः x तथा 3x हैं, इसलिए इनका योगफल 4x होगा। दिए हुए मानों को समलंब के क्षेत्रफल के सूत्र में प्रतिस्थापित कर आगे हल करने पर x का मान 6 मिलता है। अब क्या आप समांतर भुजाओं का मान बता सकते हैं? बिल्कुल सही। x का मान प्रतिस्थापित करने पर हमें AB का मान 6 सेंटीमीटर और CD का मान 18 सेंटीमीटर मिलता है। यही हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना था। आज हमने उदाहरण की मदद से समलंब की समांतर भुजाओं का मान पता करना सीखा। जब समलंब का क्षेत्रफल, ऊंचाई और समांतर भुजाओं का अनुपात ज्ञात हो। अगली वीडियो में हम इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या अवधारणाओं को जानेंगे।